नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। पीड़ित न्याय के लिए लगातार रहा थाने का चक्कर, लेकिन प्रशासन बना मूक दर्शक। मामला गौरी बाजार के मूल निवासी अनिल कुमार वर्मा का है, जो न्याय पाने के लिए थाने का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, बल्कि अनिल कुमार वर्मा का ही 151 में चालान करती है। अनिल कुमार वर्मा का कहना है, हमारी ससुराल जनपद देवरिया में है। हमारे ससुर द्वारा मेरे एक लड़के का लालन पालन करने के साथ चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन मरने के बाद कुछ अराजक तत्वों एवं पट्टीदारों को बर्दाश्त नहीं हुआ और मारपीट पर आमादा हो गए। यहाँ तक बार बार दुकान लूटने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कोतवाली देवरिया जाकर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत करता हूं तो पुलिस हमें ही प्रताड़ित करती है और स्थानीय पुलिस दबाव बनाकर कहती है, जल्द से जल्द तुम एसडीएम के सामने जाकर वरासत को खारिज करा दो, नहीं तो तुम्हारा रहना और जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे जान माल एवं हमारे बच्चे की सुरक्षा प्रदान करें, जिससे हमारा भरोसा सरकार पर बना रहे। आइए जानते हैं पीड़ित की ही जुबानी। देवरिया से संवाददाता मनमोहन जायसवाल की खास रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार वर्मा गौरी बाजार का मूल निवासी हूँ। हमारी ससुराल देवरिया में है और जो हमारे ससुर जी द्वारा हमारे बड़े लड़के का पालन पोषण किया करते थे, हमारी सास और ससुर द्वारा। ससुर जी ने अपने जीते जी अपने दुकान सहित मकान व चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसमें उनके मरने के बाद उनके पटीदारों द्वारा ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि ये संपत्ति क्यों ससुर जी ने दे दिया। अतः सरकार बार बार मारपीट प्रेरित और दुकान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अतः सरकार से ये गुहार है कि हमारी मदद की जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार जब हम जाते हैं थाने में तो उठाकर पुलिस हमें 107 और 151 में चालान कर देती है और बार बार ये हमको प्रेरित किया जा रहा है जा करके मेरे बच्चों को और हमको प्रेरित किया जा रहा है कि जाकर एसडीएम के वहाँ अपने वरासतनामे को तुम खारिज कर दो, नहीं तो तुमको जीने नहीं दिया जाएगा और हमारी सुरक्षा और जान माल को खतरा है। अतः सरकार से ये गुहार है, हमारी जान माल की सुरक्षा प्रदान किया जाए। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं फर्जी मुकदमे में हमको फंसा करके, हमारे बच्चों को फंसा करके प्रेरित न परेशान न करें, इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।